नहीं सर, मेरे गांव में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है कोई, मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ सर। क्या बात है, तुम्हारी स्टडी टेबल देख सकते हैं जहाँ तुम पढ़ते थे, स्टडी टेबल सर इसी मतलब टेबल पे मैं पढ़ता था। इस समय क्या यहाँ लाइट नहीं आती क्या? आती है यहाँ पढ़ते हो? हाँ सर यही है सर, ये बड़ी वाली टेबल थी, बड़ी वाली टेबल नहीं, इस पे बुक रहती थी, वो पढ़ता था। हम लोग आएंगे तो खाना बना के खिलाएंगे आप? मिलेगा खाना सर? खाना खाना हाँ, आपने वादा किया था। वादा किया था मैंने सर, मैंने कहा था मैं आऊंगा, खिलाओगे आपका पता। कैसा है सर? बहुत अच्छा। आप में 213 बच्चे है ना, तो सुरेश की तरफ से सारे बच्चों को पीडब्ल्यू के बैचेस गिफ्ट करता हूँ मैं, पर ये सुरेश की वजह से आया है। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। मैं यही चाहता हूँ कि कहानी मतलब गाँव गाँव तक पहुँचे। कबड्डी आता तुम लोग को? चार लोग मेरे को खिलाओगे यहाँ पे एक बार? छाता तो हटा दो भाई, ठीक है, जमींदार थोड़ी है पीछे से छाता लेके कोई चलेगा। इस साल या अगले साल के अंदर एक आइडिया निकले और अब यहाँ बस क्या हाल है? कैसा है? अरे आप मैच को हमारा बहुत बड़े हम उनको बस यार, बस लड़के से पैर नहीं छुआता मैं, बस बस बेटियों से पैर नहीं छुआता बेटा। ये आपकी बहने कहाँ गए? ये आप अच्छा स्टूडेंट हैं, सही है। माता श्री कहाँ है आपकी? नमस्कार, कैसे हैं आप? 2 साल पहले बात हुआ था आपसे हमारा सर, मतलब माला इनको पहनाइए भैया, सब माता श्री को पहनाइए, आप पहनाइए अपनी माता श्री को, हकदार ये है माले की, हमने है, इन्होंने किया सारा मेहनत और आप पहनी है, आपने किया है मेहनत भाई, नाम रोशन आपने किया है। बस बस छाता तो हटा दो भाई, ठीक है, बारिश का थोड़ा मजा लेने दो। अरे नहीं ठीक है सर, जमींदार थोड़ी है पीछे से छाता लेके कोई चलेगा। आइए माता श्री को बुला लीजिए अपनी। माता जी आप बैठिए पहले। आपने चप्पल नहीं पहना? पहनते नहीं आप, यहाँ आदत नहीं है? सब दोस्त यार तुम्हारे आए हुए हैं? यस सर। आप लोगों का क्या तैयारी चल रहा है अभी? तो आज कितना नंबर था सुरेश फाइनली? 604 सर। 604 नंबर था, 2022 का पेपर था ये, 604। 2 साल पहले मेरा बात हुआ था, क्या अलग है कॉलेज लाइफ में? बढ़िया है सर। यहाँ बताओगे सबके सामने? यस सर। हाँ तो बताओ क्या है कॉलेज लाइफ में? सर कॉलेज लाइफ तो मतलब बहुत ही अच्छा है। जब हम तैयारी करते थे सर, तो मतलब एक अलग ही रहता था कि मतलब टेंशन की पर डे पढ़ना पड़ता था, और वही शेड्यूल की हाँ अगर 12 घंटे पढ़ने हैं तो 12 घंटे रोज। अगर माता जी आप बैठिए, औरतें पहले बैठती हैं, मर्द खड़े होते हैं, आप उल्टा यहाँ पे आप खड़े हैं। चलिए अब उन्होंने भी बोल दिया, आप तो बैठ जाइए आप। हाँ हाँ फिर सर तो मतलब कॉलेज लाइफ में क्या हुआ? कॉलेज लाइफ में सर जाने के बाद तो मतलब एकदम अलग माहौल हो जाता है कि मतलब आप चिल भी कर सकते हो, एग्जाम टाइम पे अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो मतलब आराम से एग्जाम्स हो जाते हैं, और वहाँ सीनियर्स भी रहते हैं जो हमेशा गाइड करते रहते हैं सर। मतलब अपनी प्रेफरेंस लाइन पे अगर कोई आपका इधर मतलब, गाँव से और कोई बच्चा पहुँचा आपके कॉलेज में? नहीं सर ऐसा नहीं है, जौनपुर से अकेला नहीं लगता कॉलेज में? क्योंकि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब एक ग्रुप में मिलकर रहते हैं। अगर 100 का बैच है सर तो मतलब सब एकदम कंबाइन करके रहते हैं। तो सूरज भैया मेरे बताया थे कि सूरज भैया कभी कभी पढ़ते थे तो बहुत टाइम तक 6-7 बजे तक, मतलब 12 बजे से 6-7 बजे तक केवल फिजिक्स लगाते थे। मुझे तो इतना टाइम लगता है फिजिक्स में, तो मैं भी सोची मैं भी फिजिक्स में इतना ही मेहनत करूंगी, मेरा होना चाहिए चाहे जितना मेहनत मुझे करना पड़े सर, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। अरे मैं लड़कियों से पैर नहीं छुआता हूँ, लड़कियों को देवी देवी माना जाता है हमारे यहाँ, बेटियों से पैर नहीं छुआते हमारे घर में, थोड़ा सा नियम है पिताजी का। नोट्स मैंने पहले अटेम्प्ट में बनाए थे, मतलब 21 वाले में, उसके बाद 22 के लिए मैं वही पुराने नोट्स, और मोस्टली सर कॉन्सेप्ट वही होते थे, क्वेश्चन बदलते थे, तो मैं क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करता था और लेक्चर के बाद मैं डीपीपी सॉल्व करता था सर, मेरा यही था। हाँ लेकिन मल्टीपल टाइम मैंने किया है, मल्टीपल टाइम। यस सर, ये आप जो सोच रहे हो ना दिक्कत आई है, ये दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रोसेस है जीवन का, क्योंकि आप चीजों को रट तो सकते हो है ना,
रट लिया, दिमाग में डाल लिया, जाके एग्जाम में उल्टी करके लिखा है। पर जब चीजों को समझने की बात आती है तो हालत खराब हो रही, क्योंकि वहां मैथ्स लग गई है, गणित लग गई है, सबसे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट समझना है। अब भाई क्लास इलेवेंथ में आके आपको कोई वेलोसिटी समझा रहा है, स्पीड समझा रहा है, तो नाइन टेंथ में भी थोड़ा स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस कुछ तो पता होना चाहिए। उधर सब खाली था, अचानक से इलेवंथ क्लास में पहली बार फिजिक्स आई, वहां पढ़ना शुरू किया। बाकी बच्चा जो शहर वगैरह में रह रहा है या जो कोचिंग वोचिंग कर लेता है, उसका क्या होता है, उसका नाइन टेंथ का भी चीजें क्लियर होता है। और इस बात के लिए आप खुद को थोड़ा सा दिलासा दिया करो कि हमने थोड़ा देर शुरू किया। मैं बोलता हूँ कब शुरू किया, कितना देर हुई, कोई मतलब नहीं। अंत में जब रेस खत्म होगी अपन ही जीतेगा लास्ट में आगे जाके। तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करना है, भूल जाओ। देखो जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही है ना, इसमें ये चीज समझो कि पुराने पाप का भी नतीजा बहुत निकल रहा है। मुझे भी यहाँ यही लेके आए भैया, बोले नहीं चलो मिल गया, थोड़ा बहुत तुमको मोटिवेशन मिलेगा, सर को देखोगे उनके हाथ चल रहे हैं। देखिए आप लोग जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ से एक ही रास्ता आगे निकलने का, वो शिक्षा है, और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा, शिक्षित होने के सिवा। वरना थोड़ा सा बड़े हो गए, माता पिता अभी लड़कियों पे तो अभी दबाव डालेंगे, बोलेंगे शादी कर लो, शादी करके चले जाओ घर, और बिना पढ़े लिखे किसी घर जाओगे, कोई इज्जत थोड़ी होगी, कहीं पे भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। जब तक आप बिना पढ़े लिखे, लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है, आपका तो कोई घर ही नहीं है जीवन में। घर वाले क्या बोलते हैं बचपन से, तू तो बेटा इस घर की है नहीं, तू तो पराए घर जाना है, तेरे को दूसरे घर चले जाना है, तू तो उस घर की है, हमारे घर की तो है नहीं, हमारे लिए जिम्मेदारी है। और जब उस घर में चले जाते हो तो क्या होता है, वो कहते हैं तो दूसरे के घर से आई है, तो आपका तो कोई घर होता ही नहीं है। लड़कियों को कहने को दो घर है और असल में उसका कोई घर नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे, एक बात एकदम समझ लो, घर में जो इंसान पैसा कमाता है उसकी इज्जत होती है, ये एकदम साफ बात है। और आज का समय तो आ गया, लड़का ही पैसा कमाता है, लड़की पैसा कमाती है, दोनों घर के काम भी करते हैं। आप बोलती थी इनको पढ़ाई करने के लिए कि मना करती थी आपकी? कहे तो रुपया लगावा और हम मेहनत करी। हाँ ठीक। हाँ जीजा से पूछे, भाई से कुछ, बहन से मांग मांग के जहाँ जहाँ लागे, और आदमी भी जब पगार पाए। इनके पिताजी वही मुंबई में अभी भी काम कर रहे हैं, दो साल पहले भी वही थे। हाँ। घर कितना पाते हो? सर उनका टाइमिंग यही होता है आने का, मतलब अप्रैल में आ जाते हैं लगभग, उसके बाद जुलाई अगस्त में दोबारा जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है महाराष्ट्र में, दो तीन महीने के लिए आते हैं बीच में बस। कब से ऐसे है सर? मुझे तो पता ही नहीं कब से वो सब चल रहा है, मतलब मम्मी बताती हैं कि तुम लोग, मतलब उनकी शादी भी नहीं हुई तब से ये प्रोसेस चल रहा है। और भी सर बस वहीं से हुआ इंटरेस्ट, और धीरे धीरे इलेवंथ ट्वेल्थ हुआ, फिर नीट के बारे में मैं सर इलेवंथ में था तब सुना था, तो सर तभी से फिर ट्वेल्थ के बाद मैंने थोड़ा, ट्वेल्थ के बाद वही पहला पेपर नीट का दिया था सर, तो लेवल भी पता चल गया कि लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि सर 168 मार्क्स का नंबर आया था, 164 सर, 164 नंबर जस्ट 164, 2019 में पहला अटेम्प्ट हुआ था ट्वेल्थ के बाद सर, मतलब देने के बाद, हालांकि मैं बहुत डीमोटिवेट नहीं हुआ था, कि मतलब लग रहा था कि हाँ मैंने ये बस आजमाने के लिए दिया है कि अभी तक मैं कहाँ हूँ सर। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, पहला अटेम्प्ट तो सर मतलब उस समय तो PW निकला भी नहीं था, तो बस फोन भी नहीं था मेरे पास 2019 के बाद, 2019 के बाद, तो मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दिया, बुक पढ़ता था सर, वो NCERT वाली बुक ले लेता था, और एक DC पांडे की आती है वो फिजिक्स की, तो वो सॉल्व करता था सर, जो भी आ जाता था समझ में वो पढ़ता था। फिर सर दूसरी बार जस्ट दोगुना उसके मार्क्स आए, 328 मेरे मार्क्स आए 20 में सर, 2020 में। फिर सर 20 के बाद सर तब मुझे लगा कि साल भर इतना मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो शायद मतलब नहीं है मेरे लिए नीट। फिर एक सर मेरा फ्रेंड है एक, अभी वो प्रिपरेशन कर ही रहा है, उसने मुझे PW बारे में बताया, और मम्मी जो स्कूल में काम करती थी वहाँ एक सर थे, उन्होंने कहा फ़ोन ले लो पढ़ो सही है सबसे बढ़िया, तो सर वही सब्सक्रिप्शन लिया, और फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई सर प्रिपरेशन की। फोन भी तभी खरीदा पहली बार तभी फोन खरीदा। आप मान गए थे फोन खरीदने के लिए तुरंत? मम्मी पढ़ाई के लिए हमेशा सपोर्ट करती थी कि हाँ कि जो चीज़ें चाहिए कैसे भी करके देंगे पर देंगे। पहली बार 521 था, दूसरी बार 604 नंबर थे, ये दो तुम्हारा सीरियस तैयारी वाला था, इसके पहले इतना सीरियस नहीं थे। सीरियस नहीं सर, पढ़ता तो मैं था पर मेरे पास सोर्स नहीं था। और आप लोग ना बेटा अभी जो बात कर रहे थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 6-7 अटेम्प्ट का इंतजार करो, क्योंकि आप लड़की हो, अभी आपका उम्र बढ़ेगा, घर वाले भी शादी का दबाव डालने लगेंगे कि इतना थोड़ी समय देंगे तुमको हम 6 अटेम्प्ट करने को, BSc इधर से कम्प्लीट हो जाएगा, फिर बोलेंगे लड़की इंटर ग्रेजुएट भी हो गई है, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग ये कोशिश करो कि दूसरा ऑप्शन भी, नर्सिंग वर्सिंग भी ट्राई करो। आ रहा हूं। अभी मेरा एम केवल डॉक्टर है, अरे नीट निकालना निकलेगा यस सर, अगर नहीं निकला तो सर रुकेंगे तो नहीं, हम कभी रुकने वाले हैं ही नहीं, रुकेंगे ही नहीं। मैं केवल एक ही सोचती हूँ, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमेशा मेहनत करना है, जब तक मेरा हाथ पर चलेगा तब तक मैं सिर्फ मेहनत करूंगी, मुझे बैठ कर कभी खाना ही नहीं, मैं मेहनत ही करती रहूंगी।
इसी का पढ़ते थे कि वो दूसरा घर था जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था ये वाला सर यही पढ़ रहे थे आप यस सर यही तैयार की थे नेटवर्क आता था इंटरनेट सही था हाँ सर मतलब मेरा ड्यूरेशन ये होता अगर दिन में नहीं सही चल रहा तो रात में लेक्चर देख लेते थे और बाकी सेल्फी स्टडी वाला तो कभी भी कर लेते थे सर बहुत करता है क्या क्या काम करता था घास कराई गाय चराता था घास कराई घास घास काटना कहा खेत में हाँ सर अच्छा घास काटते थे और कापी लेके संगे संगे पढ़बो कराई अच्छा जब गाय चराते थे उस समय लेकर पढ़ा करते थे और चराया करते थे खेत में तुम गाय चराते थे पढ़ते रहते थे कॉपी लेके हाँ सर क्या वो तो मतलब ये होता था कि बोर हो रहे हैं तो फिर कॉपी हाथ में एनसीईआरटी बोर हो रहे हैं हाँ सर अब अकेले गाय चल रही हूँ मैं अकेला हूँ तो फिर बुक अगर मेरे पास है तो ठीक रहता था पढ़ाई शौक है या मजबूरी थी नहीं सर कुछ सब्जेक्ट तो मेरे फेवरेट थे जिसमें मैं शौक से पढ़ता था लेकिन फिजिक्स मेरी मजबूरी थी सर ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ मुझको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी ये देखिए बहुत बड़ी बात है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर हमें इस सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आता है हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है सर मेरा इस चीज़ में मन नहीं लगता है ये सब मुझे लगता है ना ये सब लग्जरी है ये वही बच्चे बोल सकते हैं जिनके घर में ऑलरेडी चीज़ें सब अच्छी चल रही है अभी हम लोग जिस हालात में हैं हम लोग वहाँ सेकंड जनरेशन है यही जनरेशन है जो पढ़ के आगे निकलने वाली है तो हो सकता है कई बार आपका शौक ना हो पढ़ना कई बार आपको मजा ना आए पढ़ना इसलिए मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यही अंतर है एक होता है मोटिवेशन सर हमें मोटिवेट कर दो हम पढ़ा करने मोटिवेट कर दिया जाके एक दिन पढ़ोगे दो दिन पढ़ोगे फिर बंद हो गया फिर कहोगे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है डिसिप्लिन क्या होता है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो मज़ा नहीं आ रहा हो फिर भी वो काम करना पड़ेगा क्योंकि जीवन में कुछ बड़ा करना है उसके लिए तक देखो जब तक तुम्हारे पास जवानी है जब तक तुम्हारे पास योग्यता है जब तक तुम्हारे पास खूबसूरती है तब तक हर कोई तुम्हारे आसपास भटकेगा उसके बाद तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है एक ही इंसान पूछने वाला है माँ बाप उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है ये तब भी साथ थी जब सुरेश कुछ नहीं था आज भी साथ है जब सुरेश सब कुछ है कल भगवान न करे सुरेश अगर फिर नीचे आया तो भी ये साथ खड़ी रहेगी क्योंकि माँ है इसको फर्क नहीं पड़ता आपका हो बाकी सारी दुनिया आपके पास तभी आती है जब उसको आपसे कुछ मतलब निकालना होता है इसीलिए अपने आप को बनाइए अपने आप पर मेहनत करिए फालतू की दोस्ती आ रही ज़्यादा ये बड़ा गैंग बनाना है ग्रुप बनाना है इसमें घूमना है बाइक लेके घूमना है प्यार मोहब्बत करना है ये सब के लिए जीवन पड़ा है हो जाएगा ये इस उम्र में सबसे पहले आप खुद को बनाइए उसके बाद देखिए हर कोई आपके अगल बगल अपने आप घूमने लगेगा और आपको अभी लड़कों को स्पेशली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप में टहलने की आदत होती है कि हमारे दोस्त हैं ये हमारे यार हैं और जिस दिन तुम्हारा बुरा समय आता है तब तो कोई यार वार तुम्हारा कोई काम नहीं आ रहा है आते हैं काम कोई दिखता है कि इसे 500 रुपये मांग के देखो हालत ख़राब हो जाएगी और देखो जोड़ जोड़ के उसको 9,500 का मोबाइल फ़ोन दिलाई ऐसे घर में रहती है उसका 9,000 का उस मोबाइल फ़ोन गिराई इसे माँ बाप कर सकते हैं कोई दोस्ती यारी कभी ये नहीं करेगा क्या करोगे गाँव के लिए डॉक्टर बनने के बाद सर आओगे कि भूल जाओगे गाँव को ऑब्वियसली अब तो सोचे हैं कि क्लिनिक अगर खोलेंगे तो गांव में ही खोलेंगे क्योंकि अब है तो यहीं के सर तो विकास भी यहीं के करना पड़ेगा एकदम सही बात और सर ठीक है अभी तो मैं सर अभी तो मेरी डिग्री मिली नहीं है मेरे को मैं सेकंड ईयर में हूँ लेकिन मेरे से पहले मतलब डिग्री मिलते मिलते सर और भी डॉक्टर कॉलेज में होंगे सर यहीं से सर चूँकि मेरा होने के बाद सर मतलब जो जनरेशन है अभी आने वाली सर वो लोग मतलब तैयारी शुरू कर दी है मतलब मेरे गांव से इस समय तो हमें लगता है 2-3 लड़के या लड़की तो ये कब मतलब हुआ तुम्हारे सिलेक्शन होने के बाद सर, मेरे सिलेक्शन होने के बाद तो इनके सिलेक्शन के बाद आप लोगों को पता कैसे चला इंटरव्यू देखा कि गांव में फैल जाती है बात ऐसा होता है सर यूट्यूब पे देखे थे पता चला अपने आसपास का ही लड़का है तब तक फिजिक्स वाला नहीं पता था आप लोग को नो सर पता था तब भी पता था पढ़ते नहीं थे तब लगता था होगा नहीं नीट की जैसे मुझे करनी है तो मुझे किस क्लास में अभी मैं 9th में हूँ ठीक है लास्ट फेब से मेरा फाइनल एग्जाम है ठीक है तो मुझे आगे मतलब मैं सोच रही हूँ कि क्लास 11 से मैं तैयारी करूँ बिल्कुल सही हाँ तो फिर आगे मैं कैसे करूँ मुझे मतलब गाइडेंस अगर अच्छी मिल जाए तो मैं कर सकती हूँ मुझे विश्वास है और मतलब मेरा डॉक्टर बनने का सपना मम्मी हमेशा बीमार रहती है तो मैं पहले जब छोटी थी तभी से मुझे लगता था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती है अभी भी दवाई खाती रहती है सर मुझे कुछ बताइए ठीक है देखो अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है अगर जिसको डॉक्टर बनना होता है फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रही न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है नहीं आता मुझे मतलब आता है न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे अभी 9वीं में हो ना आप हम आपको देखो 3 चीज़ें बताएंगे यहाँ से 3 चीज़ों को ध्यान से करना है 10वीं 11वीं 12वीं में PW के बैचेस से पढ़ाई करनी है पढ़ रही हूं मैं किसी और से पढ़ लो तो कोई बात नहीं वो भी अच्छा है जो मेरे पास है मैं वही बताऊंगा सर मैं पढ़ रही हूं नीव से पढ़ रहे हो अगले साल उड़ान से पढ़ना है अगले साल अर्जुना नीट से पढ़ना है अगले साल लक्ष्य नीट से पढ़ना है और ये 3 साल कैसे पढ़ना है क्लासेस सारी अटेंड करनी है
डीपीपी सारी करनी है, डीपीपी में चोरी नहीं करनी है, जो होमवर्क मिलता है, और टेस्ट में चोरी नहीं करनी। सबसे ज़्यादा टेस्ट में चोरी करते हो आप लोग। नीव के अंदर टेस्ट दे रहे हो सारे? नहीं दे रहे हो, तो फिर बेटा कैसे होगा बताओ, क्या रास्ता है? मतलब स्कूल जाते हैं तो कुछ छूट जाता है मुझे, और स्कूल्स के भी होमवर्क्स रहते हैं, फिर हर मंथ में टेस्ट होता है हम लोगों का, फिर तो उसकी वजह से छूट जाता है, कुछ टेस्ट में रहती हूं। और कोई सवाल है ही नहीं, करना है तो करना है, खत्म बात। 10th में उड़ान से पढ़ना है, 11th में अर्जुना नीट से पढ़ना है, 12th में लक्ष्य नीट से पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा अगर ये सारा कंटेंट फॉलो किया, टेस्ट दिया, डीपीपी किया? चांस ही नहीं है कि आप 550-600 नंबर से नीचे हो, आखिरी के 50 नंबर बेटा आपके ऊपर है, उतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन है, हम तो सबको वही पढ़ा रहे हैं, लास्ट के आपके 50 नंबर आपके ऊपर है। यहाँ से संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत बहुत लग के करनी पड़ेगी, आपको 6-6 घंटा रोज क्लास करनी पड़ेगी, यही सारी चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको लगता है ना कि आज का काम कल कर लेंगे, दो दिन बाद पढ़ लेंगे, फिर आप बोले आज स्कूल है सर, आज होमवर्क है सर, स्कूल में टेस्ट आ गया है, यही है ना कि सर स्कूल में टेस्ट आ गया है तो कैसे करें। सबने उनकी कहानी सुन रखी है कि नहीं यार, APJ अब्दुल कलाम साहब की? हाँ, लिंकन साहब की कहानी सुनी है? नहीं, लिंकन साहब की कहानी नहीं सुनी आपने? वो भी मोची के बेटे थे, वो मोची का बेटा था, रहता था, तो पिताजी ने उनसे बोला कि पिताजी से बोले कि पढ़ाई लिखाई करनी, पिताजी बोले यार इतना पैसा नहीं है। तो एक नदी थी, नदी किनारे उस तरफ एक लॉयर रहते थे, एक वकील रहते थे, तो एक दिन वो नदी पार कर उधर चले गए, और उस वकील जाके बोले कि हमें नौकरी दे दो अपने घर में। तो बोले क्या करोगे? बोले झाड़ू पोछा लगाएंगे। तो बोले ठीक है, हाँ कर लो, क्या पैसा लो? क्या पैसा नहीं लेंगे, अपनी किताबें हमें पढ़ने देना, तुम्हारे घर में जो किताबें रखी है वो मुझे पढ़नी है। तो उसने कहा यार गरीब बच्चा पढ़ लेगा, क्या चला जाएगा। उनके घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, वहीं सोते थे, उन्हीं किताबों से पढ़ते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो यार ऐसे जीवन में संघर्ष करके ही लोग ऊपर गए। अब्दुल कलाम कहानी सबने देख रखी है, भारत रत्न है भाई, मछुआरे का बेटा था वो, कहाँ से निकल के आया, भारत के लिए भारत रत्न बना, मिसाइल मैन बना। अरे हमें भी एक बार में सफलता थोड़ी मिली थी, अभी भी कौन सा सफल हुआ है, बहुत बार गिरे यार, बस कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे, मन में ठाना हुआ था। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, एक महीने पुरानी बात थी, किसी इवेंट में गए थे और बहुत भीड़ लगा था, बहुत भीड़ लगा था, और मैं स्टेज पे खड़ा था, मेरा आंसू छूट गया उस दिन, मेरे को लगा यार विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैंने कहा ये हो गया क्या फिर से। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सब बहुत कैजुअल है कि हाँ हो गया है तो ठीक है, हम बहुत बुरी हालत से यहाँ आए हैं, तो हमें पता है उसकी क्या वैल्यू होती है। आज भी होता है, नमस्कार 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 नमस्कार। अरे हमारा लड़का आपके स्कूल में इलाहाबाद पढ़ता था, हैं? हाँ, किशन शुक्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से आपने बैठिए बैठिए रहे हैं, बैठिए आइए बैठिए। हम आपका नाम सुने, हम तो जा रहे थे, हम कह रहे अलग कहाँ मिलेगा भाई यहाँ पर। वंडरफुल, आप बताए आपका वो बताया कहीं, नहीं नहीं वही है सर, हम कहा था जरूर दर्शन करेंगे। अरे नहीं, ये ऐसे बच्चे खींच लाते हैं हमको ऐसे। कितने बच्चे आप निकाल दे रहे हैं? बहुत है। कितने बच्चे? आपको बहुत ही आशीर्वाद होगा, आप भगवान करेंगे आप। बहुत आशीर्वाद, बहुत ज्यादा आशीर्वाद। इतने सस्ता रेट पर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कितने अध्यापक अच्छे अच्छे आप टापर टापर अध्यापक रखे हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ टीचर्स तो अच्छे हैं सारे। नहीं नहीं सर, खाना खाना आपने वादा किया था? वादा किया था मैंने आपने, आपसे वादा किया था, आपने कहा था, मैंने कहा था मैं आऊँगा, खिलाओगे आप तो, आपने कहा था बनाए। आइए पहले एक बार वो देख लें जहाँ पढ़ते थे सर, पढ़ते तो यहाँ थे। सर ये बड़ी वाली टेबल थी, बड़ी वाली टेबल नहीं, इस पर बुक रहती थी, वो पढ़ता था, और छोटी वाली टेबल सर वो पर्दे लगते रहते थे, अभी हटा दिए गए क्योंकि आपको आना था। यहाँ बैठते थे अंदर इसमें? हाँ सर, यहाँ मेरा छोटा टेबल जिसमें मैं बैठता था इस पर बुक रहता था सर, यहाँ पढ़ते थे। हाँ सर, अभी हॉस्टल का रूम तो बड़ा अच्छा होगा इससे। हाँ सर, ऑब्वियसली अच्छा है। यस सर। तुम सोते इसमें हो अभी भी? सर यहाँ खाट लगती है, कि यहाँ लगती है, कि यहाँ लगती है। और ठंड में? ठंड में मतलब यहाँ पर्दे लगा दिए जाते हैं, अभी हटा दिए गए हैं क्योंकि साफ सफाई थोड़ी करनी थी। ठीक है, आओ खाना खाएं। यस सर, खाना बहुत देर से खाने का ही। आइए सर। ठीक है सर। अरे खा लीजिए, फिर हम ना खाएंगे, आप ना खाएंगे सर, तो नहीं खाएंगे तुम ना। खाओ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तुम खाओ। कैसा है सर? बहुत अच्छा। आप में मैं हूँ, हमारी बहू, हमारी बेटी, बहुत बढ़िया टेस्ट है। कोई नहीं, कोई नहीं। इसमें क्या क्या है? आलू है, आलू है, गोभी है सर, मटर है, हाँ मटर है, और टमाटर है। खाना आप बहुत ही अच्छा बनाती हैं।
तो इनसे हमारी पहली बात एक साल पहले हुई थी। एक साल पहले जब ये सिलेक्ट हुए तो हमारी टीम बोली कि सर एक गांव है हरिद्वारी, वहाँ से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है सुरेश नाम का, और बड़े ही गरीब घर के जैसा का बच्चा है और सिलेक्ट हो गया, बड़ा मेहनत करके आप एक बार बात करो। तो हम इनसे बात किए, तो बात किए तो माता जी से जब बात हुई तो माता जी से मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो बताएं कि हम स्कूल में खाना बनाते हैं रसोई हैं। तो हमने कहा हमें खिलाएंगे आप, तो बोले खिलाएंगे। अब इन्होंने वादा कर दिया था पर हमको एक साल लग गया आने में, तो अब जाके इनसे मिलने आए। अब तो स्कूल वगैरह भी ये पहुँच गए हैं, अपना कॉलेज पहुँच गए हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये कहानी मतलब गाँव गाँव तक पहुँचे कि अगर आप गाँव का बच्चा IIT का एग्ज़ाम देना चाहता है, मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, स्टेट PSC का एग्ज़ाम देना चाहता है, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम देना चाहता है, बैंक का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो तैयारी का जो पैसा था वो हमने बहुत कम कर दिया है फिजिक्स वाला में। अब जैसे इनको ने नीट की तैयारी जो की कितने का था सर? पहला बैच मेरा 3,500 का था, दूसरा भी शायद दूसरा कम हो गया था, 3,000 का था। 3,000 रुपये में पूरा नीट का तैयारी मेडिकल का। अब यही तैयारी होता था पहले 1.5 लाख रुपये का, कोटा वोटा में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो यही तैयारी हम लोग ने 3,000 का किया। और भारत के बहुत से गांव का बच्चा पढ़ता है। कहां पर इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट बच्चों के दिल में है हर जगह। ये ऐप है सर, मोबाइल ऐप है। मोबाइल जिसके पास है, जहां इंटरनेट है वहां मैं हूं। अब जहां मोबाइल और इंटरनेट नहीं वहां कैसे पहुंचूंगा, वो मैं देख रहा हूं इस समय। स्कूल आते हैं कि आते आते नहीं आता? नहीं आते, रोज आते हैं। यस सर। और घर पे जाके पढ़ाई करते हो? यस सर। घर पे काम किसी मम्मी करा रही हैं? किसी की नहीं। आपकी मम्मी कराती हैं घर पे काम? कुछ बच्चे ज्यादा काम कराते हैं? नहीं सर, इतना हम कर सकते हैं तो नहीं कराती हैं हमारी। बाकी माता जी लोग क्या बोल रही हैं? पढ़ो। यस सर। डॉक्टर बनो। यस सर। इंजीनियर बनो। यस सर। और क्या बनना है बताओ तो, अभी अभी सोच नहीं। टीचर बनना है? क्या बात है, इसके लिए ताली बजाओ भाई। टीचर कोई बनेगा कभी कोई बोलता नहीं है, टीचर बनने का कभी कोई नहीं बोलता है। कबड्डी आता तुम लोग को? चार लोग मेरे को खिलाओगे यहाँ पे एक बार? हाँ आओ खिलाओ, चलो चार लोग आओ। मैं बहुत समय से नहीं खेला, आओ कबड्डी। आप भी खेलोगे? हाँ कह रही मैं नहीं पढ़ रही इसमें। क्या हुआ, हम लोग जीते ना? मर गई। जिंदा तो है, कहाँ मर गई? तुम आउट हो गई। अब क्या मुझे जाना होगा? क्या बोल रहा होता है, कबड्डी कबड्डी? ओके मुझे पकड़ेंगे कैसे लोग? अच्छा कंटिन्यू, कबड्डी 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 कबड्डी। चलो मैं हार गया। और क्या खेल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बस 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 बस। हाँ क्या हो गया? सच में बिलीव नहीं, हम लाइव देख रहे हैं। सर सर जी, यहाँ सुरेश को जानते हो क्या पहले से? yes, सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सुरेश को ताली बजाते हैं, सारा माला सबसे पहले हम सुरेश को पहनाते हैं क्योंकि भाई असली हकदार यही है अभी तो। इनके बारे में हमें पता चला 2022 में जब रिजल्ट आया नीट का, तो अचानक से फिर हमारी टीम बोली कि एक लड़का है और वो जौनपुर के आसपास के गाँव का है और नीट में सेलेक्ट हो गया है, और माता जी जो है वो स्कूल में जाकर खाना बनाती हैं। तो हमने कहा कि दिखाओ कौन है, और फिर मैं इसके साथ कॉल पे कनेक्ट हुआ, वीडियो कॉल हुआ था इसके साथ मेरा, और इसने फिर मुझे दिखाया कि कहाँ पढ़ता है। तो एक बक्सा था, एक खुला कमरा था, मैं देखा, मैं अभी इसका घर देख के आया हूँ। माता जी दोस्तों में काम कर रही हैं, अभी झाड़ू पोछा भी कर रही हैं, अभी बता रही थी स्कूल में झाड़ू करकट भी कर रहे हैं, उसके बाद ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा उसके बाद गाय का दूध भी निकालता है, खेत में जाता था, ये खेती करता था। उस वक्त कहता था कि उस वक्त हम हाथ में किताब लिए रहते थे, उस टाइम पढ़ाई करते रहते थे। मैं यहाँ आया था सिर्फ सुरेश से मिलने के लिए, अभी तक जितना भी बच्चा होता है मुझसे मिलने दिल्ली आता है, पहली बार किसी बच्चे से मिलने उसके गांव चला आया सुरेश के लिए।
अभी बहुत सा बच्चा मुझसे वहाँ पूछ रहा था कि सर आप अगली बार कब आओगे। मैंने कहा अगली बार जब तुम मेरे को बुला पाओगे मैं आ जाऊंगा। सुरेश अपने गांव का पहला ऐसा बच्चा है जो डॉक्टर बनने जा रहा है और ऐसे घर से आता है। हमारे लिए, इस गांव के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मैं चाहूंगा कि भाई सुरेश इन बच्चों को कुछ बताए, क्योंकि आप ये सब भी उसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उसी गाँव में रह रहे हैं, इसी स्कूल से आप पढ़े हो, है ना, ये भी उसी स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो क्या ये भी आगे ऐसे बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं? थोड़ा आप इनसे बात करें। मैं 8th क्लास मतलब अपने गांव में ही पढ़ा था, स्कूल है। उसके बाद 9th से मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, पंडित सभा पर दुबे इंटर कॉलेज। उसके बाद 9th से 12th तक मैंने यहीं पढ़ी है। आप 2024 में देने जा रहे हो एग्ज़ाम, तो मैं 19 में एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर मैंने दोबारा PW लिया और यकीन 2.2, जिसमें मेरे मार्क्स 604 आए। इस समय मैं SMC प्रतापगढ़ पर मैं पढ़ रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। टीचर देखते हैं मतलब इंग्लिश मीडियम में अच्छे अच्छे टीचर हैं, राजवंश सर। नहीं देखिए, ये एक परसेप्शन बना लिया आपने। क्यों अच्छे लगे? क्योंकि आपने उनको देखना शुरू किया। हिंदी माध्यम के टीचर को आप देख ही नहीं रहे हो, और यही परसेप्शन इंग्लिश और हिंदी का ऊपर ऊपर से भी भारत में बना हुआ है। कहीं ना कहीं इंग्लिश को एक सुपीरियर लैंग्वेज मान लिया गया है। तो जो इंसान इंग्लिश बोलता है, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड बोलता है, वो कूल लगता है। जो हिंदी बोलता है इंसान को देहाती लगता है। ये एक परेशानी है। आपने हिंदी माध्यम के टीचर का भी फीडबैक नहीं देखा। 4.9, 4.8 प्रयास हिंदी, और यकीन हिंदी का ही बता रहा हूँ। यहाँ कितने बच्चे 11, 12th में? नहीं नहीं, इस स्कूल में कितने बच्चे 11, 12th में? 213 बच्चे है ना। तो सुरेश की तरफ से सारे बच्चों को PW के बैचेस गिफ्ट करता हूँ मैं। पर ये सुरेश के, ये सुरेश की वजह से आया है। अगली बार तुम लोग कोई टॉप करोगे तो तुम लोग की वजह से मिलेगा, ठीक है? तो मैं चाहूँगा यहाँ के प्रबंधक साहब हम लोग को लिस्ट दे दें कि कौन सा बच्चा किस, आप एक हफ्ते के अंदर कौन सा बच्चा किस क्लास में है, कभी किस क्लास में पढ़ रहा है। और कोशिश करिए कि आप में से भी कोई एक बढ़िया रिजल्ट निकले यहाँ से। UPSC की तैयारी करिए, IIT की करिए, नीट की करिए, जो करना हो करिए, कोडिंग करना हो कोडिंग करिए। फिजिक्स वाला में कोई भी चीज़ की आपको शिक्षा लेनी है, सब अफोर्डेबल है। किसी का यहाँ कोडिंग में इंटरेस्ट है क्या? किसी को यहाँ कंप्यूटर कोडिंग इन सब का मन करता है? किसी को MBA करने का मन है? किसी को SSC गवर्नमेंट एग्जाम का है? किसी को UPSC IAS बनने का मन है? UPSC देना है आपको? कोई भी एग्जाम की तैयारी करना हो, फिजिक्स वाला के सारे बैचेस अफोर्डेबल हैं, आप जैसे बच्चों के लिए बने हैं। आप लोग का सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुझे एक मुद्दा समझ में आ रहा है, जिसपे जाके वापस मैं काम करूंगा, हिंदी माध्यम में। ये मेरे को और ज्यादा अभी समझ में आया, ऐसे भी ऑफिस में भी लगता था, आज और आप लोग से बात करके समझ में आया कि हिंदी माध्यम पे और हम लोग को काम करना चाहिए। और UP-Bihar का बहुत सा बच्चा हिंदी माध्यम करने के बाद जुड़ेगा हम लोग से, मुझे लगता है। इस साल या अगले साल के अंदर एक IIT निकले, मैं फिर से आऊँ। और अब यहाँ से अगर कोई डॉक्टर या कोई IIT निकला, तो यहाँ के जितने सरकारी स्कूल है सारे बच्चों को बैच देंगे उसकी तरफ से फिर, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। वो देख, पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि उसमें कभी भी उतना मज़ा नहीं आ सकता जितना दुनिया में और भी चीज़ों में आता है। तो पढ़ाई मुश्किल तो है, ऊब आती है। जब ऊब आए तो पिताजी को देखा करो कैसे जाके खेत में वो काम करते हैं, ऊब आना अपने आप बंद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। जब वो ऑफिस में जाते हैं, खेत पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब उनके ऊपर कोई चिल्लाता है, कोई बॉस उनको डांटता है, जब आप वो ज़िंदगी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को क्या ज़िंदगी दी है उस बाप ने। खुद अपना घिस रहा है, मेरे को कैसे लाला के पैसा वो दे रहा है, किस तरह से वो बाहर जाके गालियाँ सुनता है, ताने सुनता है और लाके मुझे पैसे देता है, और उसके बाद मैं नखरा मार रहा हूँ कि मेरे को सारे रिसोर्सेज मिल गया, मैं कह रहा हूँ मुझे ऊब हो रहा है। तो जिस दिन आपको ये फील हो ना, अपने पिताजी, अपने माताजी की ज़िंदगी, इनकी माताजी को देखिए ना, आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं, वो कह सकते हैं या माय इंटरेस्ट इज़ इन एस्ट्रोलॉजी, आई विल स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, ज़रूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे, आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ आप दे लो।